दोस्तों, अक्सर हमारे मन में ये सवाल कभी ना कभी तो आता ही है कि आखिर मृत्यु के ठीक पहले इंसान के साथ क्या क्या होता है, अंतिम समय में उसके दिमाग में क्या चलता है और वो कौन से लक्षण होते हैं जिनसे परिजन ये पता लगा सकते हैं कि उसकी मृत्यु अब निकट है। तो आपको बता दे, गरुड़ पुराण में इन सभी सवालों का जवाब दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं कि मरने के ठीक 40 सेकंड्स पहले इंसान के साथ क्या क्या होता है। ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमारे हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महाकाव्य में से एक है। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद का सफर, यह सब भगवान विष्णु ने गरुड़ को विस्तार से बताया है। गरुड़ पुराण की माने तो मरने वाले इंसान की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है। चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वे समस्त संसार को देखता है। भैरवी यातना के हिसाब से पिछले जन्म से लेकर इस जन्म और कई जन्मों के कर्म इन 40 सेकंड में मरने वाले के नजरों के सामने तेजी से घूमते हैं। जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस काल में उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा ही विवत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरते समय मुख से फेन उगलता है और किसी का मुख लाल से भर जाता है, इसीलिए उसके परिजनों को भी यह आभास हो जाता है कि वो अब मरने वाला है, और फिर उनके परिजन मृत्यु के बाद की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जितनी पीड़ा आत्मा को नरक में होती है, वही पीड़ा मरने से 40 सेकंड पहले भी होती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं अब आपको यह समझ आ ही गया होगा कि मृत्यु के ठीक पहले किसी प्राणी को कैसा महसूस होता होगा। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी बात से कितने सहमत हैं। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय श्री हरि विष्णु।